इस समय धान की नर्सरी की बुआई का समय चल रहा है और आपको पौध तैयार करनी है। इसमें जो हमारी पौध है अगर स्वस्थ होगी तो खेत में भी हमारे अच्छे कल्ले निकलेंगे, अच्छी बढ़वार होगी और हम उन्नत किस्मों का प्रयोग करें धान में, जैसे कि हमारी संकर किस्में हैं PRS 10, इसे पूसा राइस हाइब्रिड 10 कहते हैं और ये हमारे संस्थान से विकसित किस्म है। ये सुगंधित धान की किस्म होती है। इसके अलावा PHB 71, KRS 2, एरिज 64-44, PA 62-01, RH 204, हरियाणा संकर धान 1, पंत संकर धान 1, पंत संकर धान 6, पंत संकर धान 17, नरेंद्र संकर धान 2 आदि हैं। धान की उन्नत किस्में अगेती किस्मों में जो कि 110 से 115 दिन में पककर तैयार होती हैं, इनमें PNR 381, PNR 162, गोविंद, साकेत 4, नरेंद्र धान 97, PNR 546 आदि हैं। इसके अलावा कुछ किस्में ऐसी हैं जो मध्यम अवधि की हैं, ये 120 से 130 दिन में पककर तैयार होती हैं। इसमें सरजू 52, पंत धान 10, पंत धान 12, IR 64। इसके अलावा लंबी अवधि में पकने वाली किस्में हैं जो 130 से 140 दिन में पककर तैयार होती हैं, इसमें पूसा 44, PRH 106, मालवीय 36, नरेंद्र 359 और महसूरी आदि किस्में हैं। इसके अलावा धान की कुछ सुगंधित या बासमती वाली किस्में हैं जिनका बाज़ार में हमें अच्छा दाम मिलता है। इसमें पूसा बासमती 1 जो कि पुरानी वैरायटी है, इसके अलावा पूसा सुगंध 2, पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 5, ये 3 किस्में बहुत अच्छी हैं और ख़ास करके पूसा सुगंध 5 की हमारी किस्म की बहुत ज़्यादा मांग है और ये करीब 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पूसा बासमती 11-21 काफ़ी प्रचलित किस्म है हमारे संस्थान की और ये 150 से 155 दिन में पककर तैयार होती है, इसके चावल की बहुत मांग है। उन्नत पूसा बासमती जिसे पूसा 1406 भी कहते हैं, पूसा बासमती 6 जिसे पूसा 1401 कहते हैं, इसके अलावा अन्य संस्थानों से भी किस्में निकली हैं बासमती की जो प्रचलित हैं, उनमें रणवीर बासमती, बासमती 370, तरावड़ी बासमती, पंजाब बासमती 1 और एक प्रमुख किस्म जो इस साल हमारे संस्थान से निकली है पूसा पंजाब बासमती 1509 है, ये बहुत अच्छी किस्म है।